आज न्यूज प्लस इंडिया की टीम पहुंच चुकी है जनपद बहराइच के विकास खंड फखरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत ससना में, जहां पर कोटेदार द्वारा खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। खाद्यान्न की आपूर्ति निश्चित रूप से हो सके, उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए यहां पर ग्राम पंचायत ससना के प्रधान प्रतिनिधि अनिल श्रीवास्तव जी हैं। आइए कुछ बातें करते हैं उनसे, जानते हैं क्या चल रहा है। प्रधान जी, हम देख रहे हैं कि आज आपके यहाँ कोटेदार द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और उनके सहयोग में आप भी लगे हुए हैं कि जनता को खाद्यान्न सुचारू रूप से वितरित किया जा सके, तो कोई आपको यहाँ पर अव्यवस्था तो नहीं आ रही है? नहीं, अव्यवस्था नहीं आ रही, लेकिन समस्या सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बार बार कहने पर भी नहीं मान रहे हैं, इसलिए पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने पुलिस प्रशासन से जो पुलिस की मांग की? हाँ, हमने थाना हुजूरपुर फोन कर दिया है, उन लोगों ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। आपका क्या नाम पड़ता है? नाम बताओ। राम नरेश। राम नरेश, आप यहाँ पर क्या खाद्यान्न लेने आए? हाँ, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि आप आपका क्या नाम पड़ता है? लाल विक्रम। तो आप दोनों तो बहुत नजदीक खड़े हैं। हाँ। जो निर्धारित दूरी भी नहीं बना रखे है, ना चेहरे पर मास्क है, ऐसा क्यों लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं? दूरी में, जैसा कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम एक मीटर की दूरी पर रहेगा, वह चेहरे पर मास्क या गमछे से अपने मुंह को ढके रखेगा। तो हम तो यहां पर देख रहे हैं कि ये भीड़ लगी हुई है, तमाम इकट्ठे हैं लोग, यहां पर टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में खाद्यान्न का वितरण कैसे हो पाएगा? ग्राम प्रधान व कोटेदार के लाख कोशिशों के बावजूद भी देखा गया कि जनता जो है सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करती नजर आ रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है। ऐसे में राशन का वितरण किया जाए तो किस तरह से किया जाए? ग्राम प्रधान व कोटेदार लाख समझा रहे हैं कि लोगों से, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। न्यूज प्लस इंडिया के लिए विजय पांडे की रिपोर्ट।